नमस्कार, मैं धनंजय कुमार मिश्रा। कोरोना वैश्विक महामारी के प्रभाव स्वरूप आज भारत के सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, जिसके तहत मेरे विद्यालय ने ऐसा फैसला लिया है कि जो भी छात्र हैं वो इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए और वो विद्यालय में ना आए और उनको ऑनलाइन उनकी शिक्षा घर पे ही प्रदान की जाए। मैं कक्षा दसम कोर्स बा के रूप में हिंदी व्याकरण के तहत जो उनके पांच टॉपिक हैं उसके रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला जो उनका टॉपिक है वो सब और पद में अंतर, सेकेंड जो उनका टॉपिक है वो समास, थर्ड है मुहावरा और जो चौथा है अशुद्ध वाक्यों का शोधन, पांचवा जो टॉपिक है वो रचना के आधार पर वाक्य भी। ये दसम का जो कोर्स है उस कोर्स के अंतर्गत सिर्फ पांच ही उनको हिंदी व्याकरण का अध्ययन करना है। इस रूप में मैं अभी आपको जो इसका फर्स्ट टॉपिक है शब्द और पद, इसका मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आफ्टर दैट समास, मुहावरा, अशुद्धि वाक्यों का शोधन, रचना के आधार पर वाक्यों का भेद, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला जो है वो शब्द और पद, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त कर लेना है। जैसे हम अगर किसी व्यक्ति से या किसी बच्चे से ऐसा पूछते हैं कि शब्द क्या है, तो अधिकतर ऐसा बच्चों का मानना होता है कि जो शब्द है वो अक्षरों का मेल है, अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं। ऐसा उनका आंसर मिलता है कि शब्दों का जो मेल होता है उसको हम शब्द कहते हैं। ये परिभाषा पूर्णतः सही नहीं है। इसकी परिभाषा ये होती है कि जो शब्दों का सार्थक मेल होता है हम उसको शब्द कहते हैं। जैसे हम अगर जैसे ये हो गया कि अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, ऐसा अगर बोलते हैं तो वो सही है। अगर ये बोलते हैं कि अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं तो ये पूर्णतः उनकी परिभाषा सही नहीं है। अक्षरों के मेल से जो शब्द बनता है और उसका कोई ना कोई प्रॉपर अर्थ होता है, उसका ये मतलब होता है कि वो कोई ना कोई रूप अपने को प्रदर्शित करे। जैसे अगर शब्द होता है, शब्द के रूप में अगर ऐसी परिभाषा होती है कि अगर अलग अलग हम रूप में उसको लिखें, तो जैसे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्ड डालेंगे, जैसे अगर हम क म और ल, ये सारे जो है ये क म और ल ये तीनों अक्षर हैं, लेकिन इन तीनों के अक्षरों के निर्माण से जो शब्द बनता है वो कमल बनता है। अगर हम फिर ऐसा ही करते हैं तो अगर फिर हम इसमें ल म और क ये शब्द अगर लिखते हैं तो यहां लमक का निर्माण होगा। ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, ना कोई शब्द है, ये मेरी भूल है और ये मेरी भूल नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि शब्दों के अक्षरों के समूह को हम शब्द बोलते हैं तो पूर्णतः उसकी परिभाषा सही है। अगर बच्चा कोई ऐसा बोलता है कि वर्णों के सार्थक समूह को या अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं तो ये उसकी परिभाषा पूर्णतः सही होती है। मतलब ऐसा वर्ड जो हमारे लिटरेचर में, जो हमारे साहित्य में, जो कोश में उसकी कोई ना उसको किसी न किसी रूप में प्रयुक्त किया जा रहा हो, उसका कुछ न कुछ अर्थ होता हो, अगर इस ये होता होगा तो वो सही होगा। अब सेकेंड जो होता है वो होता है पद। अब ये होता है कि पद क्या है, तो पद मीन्स ये हो गया कि जैसे कोई शब्द है और शब्द है, अगर हम किसी शब्द को पद, ये है कि जैसे हम अगर इंडिविजुअल किसी शब्द को हम अलग अलग करके बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं राम, श्याम, स्कूल, कक्षा, ऐसा अगर बोलते चले जाते हैं, या राम विद्यालय में पढ़ता है,
सिर्फ हम इंडिविजुअल एक वर्ड को यूज करें, मीन्स हम ये बोले कि सिर्फ राम ऐसा ही बोल के हम रोकते हैं, तो वो शब्द है। लेकिन जब वो शब्द ही जब वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वो ही पद का रूप धारण कर लेता है। जैसे मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि राम मैं रुक गया, इसका इसका प्रयोग जो होता है वो हिंदी कोश में या हिंदी डिक्शनरी में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद अगर पूछते हैं हम लिखते हैं कि विद्यालय, ये अगर हम बोलते हैं तो इसका भी प्रयोग हमारे यहां विद्यालय में ये भी प्रयोग कोश में होता है। लेकिन अगर ये व्यक्तिगत यूज किया गया है, ये व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से यूज किया गया है, इसका पर्सनल अर्थ है और ये कोश में प्रयुक्त होता है, मीन्स डिक्शनरी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस केस में हम अगर ऐसा बोलने से हम इसको शब्द ही बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि राम विद्यालय जाता है, ये हो गया राम विद्यालय जाता है, तो ये पांच ये जो वन टू थ्री फोर ये जितने चार वर्ड हो गए, चार शब्द हो गए, तो ये चार शब्द अलग अलग होते हैं। ये यहां पे अलग है तो हम इसको शब्द के रूप में जान रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी वाक्य में प्रयुक्त हो गया, अगर वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद का रूप धारण कर लेता है। तो ये हुआ शब्द और ये हुआ पद में अंतर। मीन्स शब्द जो होता है वो अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं, और वही शब्द जब किसी सेंटेंस में जब किसी वाक्य में वो चीज प्रयुक्त हो जाता है तो वही रूप अपना वो रूप मतलब शब्द का रूप छोड़ के और उसको पद में हम निर्धारित रूप या निर्धारित स्थान दे देते हैं। इतना ही है शब्द और पद में अंतर। बाकी का जो सेकेंड टॉपिक है समास, उसके लिए हम फिर आपकी अगली कक्षा में प्रयुक्त होंगे।